हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सेफ हो और घर पे हो और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से आप में से कई लोगों ने मुझे ये बताया था कि LG के लेटेस्ट मॉडल्स का भी उन्हें रिव्यू चाहिए था। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में मैंने जो मॉडल्स जो आपको रिव्यू करके दिए थे वो सैमसंग के मॉडल्स थे। तो फ्रेंड्स, उसकी जो लिंक्स है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दी है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आया था उस पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम LG का 5-in-1 कन्वर्टिबल मॉडल, जो एकदम बेस्ट मॉडल माना जाता है LG के तरफ से, उसका रिव्यू करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साहिल, आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, LG अपने ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी प्रोडक्ट्स LG इनोवेट करता है वो जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए ही करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक मॉडल जो देखने वाले हैं वो है LG का MSQ18GWZD। दोस्तों, ये 2021 का मॉडल्स है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी मॉडल्स अभी आ रहे हैं जनरली 2021 के मॉडल्स है, बट कुछ कंपनी ऐसा कर रही है कि कोविड के वजह से लास्ट ईयर में जो उनका स्टॉक पड़ा था उसे ही एक अल्फाबेट या तो कुछ और एडिशन करके 2021 में सेल कर रही है। तो फ्रेंड्स, हमें आइसर रेटिंग के ऊपर जो ईयर का लेबल है वो एकदम ही ध्यान से देखना है, जिससे कि हम लास्ट ईयर का मॉडल ना परचेस करें और 2021 का ही मॉडल परचेस करें। क्योंकि फ्रेंड्स, एक साल भी अगर आगे पीछे हो गया तो फ्रेंड्स, आइसर रेटिंग और जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसमें काफ़ी वास्ट डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों, पहला फीचर जो है इस मॉडल का वो है 5-in-1 कन्वर्टेबल। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका जो AC है वो, ये 1.5 टन का भले ही है पर इसे आप 1.25 टन का भी यूज़ कर सकते हो और 2 टन का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, 5 कन्वर्टेबल्स आपको इसमें मिलेंगे। आप इस AC को 40% पे चला पाओगे, 60, 80, 100% हो गया, जो स्टैंडर्ड 1.5 टन हो गया वो 100% हो गया, और 110% यानी वो 1.75 टन जितनी कूलिंग आपको उतने ही टाइम में दे देगा। तो दोस्तों, ये एकदम ही एडवांस फीचर है जो LG और सैमसंग के मॉडल्स जो अभी आ रहे हैं उसमें ये जो फीचर है वो इनबिल्ट आता है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि 110% की जो कूलिंग जो LG देगा वो सिर्फ इनिशियल 30 मिनट्स के लिए ही देगा। उसके बाद आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो नॉर्मल 1.5 टन है, उसके ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बात आप एकदम ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये जो मॉडल है ये ड्यूअल इन्वर्टर के ऊपर आता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो मोटर है वो ड्यूअल रोटरी के ऊपर बेस्ड है, यानी वेरिएबल स्पीड के हिसाब से ये कंप्रेसर रन करेगा। यानी कि आपको अगर रूम में कूलिंग कम चाहिए होगी तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा और वो हिसाब से इसकी मोटर रन करेगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मैं ऐसा बोलूँगा LG की तरफ से। ये काफ़ी एडवांस फीचर है LG का। दोस्तों, अगला फीचर है, ये AC आपको आता है HD एंटीवायरस फिल्टर के साथ। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इसमें जो फिल्टर LG ने लगाया है ये 99.9% तक आपके बैक्टीरियाज होते हैं उसे किल कर देगा, और 99.76% तक जो भी आपके वायरसेस होते हैं उसको डीमोबिलाइज कर देगा, उसका पावर कम करके उसे किल कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये एकदम यूनिक फीचर है जो 2021 में LG ने अपने सारे प्रोडक्ट्स में दिया है। और फ्रेंड्स, ये कोरोना वायरस के टाइम में ये फ़िल्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि आपको जो एयर प्यूरिफिकेशन, जो एकदम नेचुरल एयर होता है जो AC से आ रहा है, वो एकदम प्योर एयर मिलेगा, ना कि इन्फेक्टेड एयर वहाँ से आएगा। दोस्तों, अगला जो फीचर है वो है एंटी एलर्जी फ़िल्टर। इसका मतलब ये है कि इसमें एक फ़िल्टर लगा होगा जिससे कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स जो कभी कभी AC एमिट करता है बाहर, वो वहीं पर रोक लेगा, जिससे कि कई लोगों को एलर्जी होती है। तो फ्रेंड्स, ये एंटी फिल्टर ऐसा है कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उसी में ब्लॉक हो जाएंगे, जिससे कि आपको एकदम ही फ्रेश एयर आगे जो AC अपना है थ्रो करेगा, तो आपको ज़रा भी रूम में ऐसा नहीं लगेगा कि डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से अगर आपने AC यूज़ नहीं किया होगा तो अंदर से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जनरली, बट ये AC में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है LG के द्वारा। दोस्तों, अगला जो फीचर है वो है 100% कॉपर ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन। दोस्तों, ये फीचर ऐसा है कि LG ने अपने इंडोर और आउटडोर यूनिट में एक ऐसी कोटिंग दी है जिससे कि आपका जनरली जो गैस लीकेज का प्रॉब्लम है, आप में से कई लोग अगर इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं या तो नाले के पास रहते हैं, तो वहाँ पर हार्मफुल गैसेस जो एमिट होती है उससे जनरली जो आउटडोर यूनिट के कनेक्टिविटी है उसमें से गैस लीकेज की प्रॉब्लम जनरली देखी गई है ह्यूमिड सॉल्टी एरियाज़ में। तो फ्रेंड्स, ये लेयर ऐसा नहीं है कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट
जो एक साल में आपकी गैस लीक होती थी वो 3 साल लग जाएंगे उसको, क्योंकि ये जो लेयर है ये काफ़ी रिसर्च के बाद एलजी ने लगाया है दोनों इंडोर और आउटडोर यूनिट में। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है, इससे आप थोड़ा डिविएट कर सकते हैं आपकी जो गैस रिफिलिंग की प्रॉब्लम है उससे। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है गैस और कंडेंसर। दोस्तों कंडेंसर की हम बात करें तो ये 100% कॉपर कंडेंसर है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एलॉय कंडेंसर वाले जो एसीज है उससे दूर ही रहिए, उसकी जो एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, भले ही आपको सस्ता मिल जाए पर आप ये ध्यान में रखिए कि कंडेंसर 100% कॉपर होने चाहिए, उसकी कॉइल जो है वो भी कॉपर की ही होनी चाहिए। और अगर बात करें हम गैस की तो दोस्तों R32 गैस काफ़ी फेमस गैस है, ये ओजोन फ्री गैस है जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, तो LG ने भी इसमें लेटेस्ट गैस ही यूज़ किया है। वैसे जनरली सारे मॉडल्स अभी R32 गैस के ऊपर ही बेस्ड है, तो फ्रेंड्स इसमें भी लेटेस्ट गैस ही यूज़ किया हुआ है। दोस्तों वारंटी की यहाँ हम बात करें तो आपको 10 ईयर्स की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देखने मिल जाएगी। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि अगर 10 साल के दौरान कंप्रेसर को कुछ हो जाता है तो फ्रेंड्स LG उसे रिप्लेस तो करके देगा बट उसके साथ गैस रिचार्ज भी उसी में इंक्लूड होगा। तो 10 ईयर्स की वारंटी अच्छी खासी है और PCB के ऊपर 5 ईयर्स की वारंटी यहाँ पर देखने मिल जाती है। दोस्तों PCB एक ऐसा पार्ट है इन्वर्टर AC में, जनरली जब खराब होता है तब PCB खराब होता है, तो 5 ईयर्स की वारंटी आपको इसमें आराम से मिल जाएगी। पर फ्रेंड्स एक यहाँ पर बात है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको देखने नहीं मिलती है यहाँ पर, जो जनरली दूसरे मॉडल्स ऑफर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा LG के नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, मैं ऐसा बोलता हूँ, बट इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि जनरली जो LG के मॉडल्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है वाईफाई कंट्रोल। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि ये जो AC है ये स्मार्ट AC है और ये आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल के ज़रिए। फ्रेंड्स आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, ThinQ ऐप, तो फ्रेंड्स प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। फ्रेंड्स ये इंस्टॉल करके आपको AC जब आप पेयर करोगे सेम वाईफाई नेटवर्क में तो आप सारे के सारे फीचर्स जो भी आपके रिमोट कंट्रोल में है वो आप अपने मोबाइल से उसे हैंडल कर पाओगे या तो ऑपरेट कर पाओगे। टेम्परेचर चेंजेस है, कन्वर्टिबल मोड आपको चेंज करना है वो भी आप कर पाओगे। यहाँ तक अगर आप घर पे नहीं हो और घर के पास अगर पहुँच गए हो तो सेम वाईफाई नेटवर्क से आप अपने AC को भी स्टार्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे फीचर्स हमें एक ऐप में देखने मिल जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये आप ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है स्मार्ट स्पीकर कनेक्टिविटी। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि आप इस AC के मॉडल को आप अपने स्मार्ट स्पीकर से कनेक्ट करके आप उसे वाईफाई से कंट्रोल कर पाओगे आपके वॉइस कमांड से। तो फ्रेंड्स ये Alexa से भी कंट्रोल हो पाएगा और गूगल असिस्टेंट से भी कंट्रोल हो पाएगा। काफ़ी सारे फीचर्स है जो आप इससे कर सकते हो, जैसे कि AC ऑन ऑफ कर सकते हो, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अगर आपको करना है तो ये सारा का सारा कुछ पॉसिबल हो जाएगा एक स्मार्ट स्पीकर से। आपको AC कनेक्ट करना होगा बस और कुछ नहीं, आपका सारा का सारा फीचर्स जो है अभी फिर इसके बाद आपका स्मार्ट स्पीकर ही हैंडल करेगा। दोस्तों नॉइज़ लेवल की यहाँ हम बात करें तो दोस्तों LG एकदम ही एफिशिएंट है, उनके ACs एकदम ही साइलेंट चलते हैं और इस मॉडल में भी आपको नॉइज़ सिर्फ 31 डेसिबल से देखने मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप फ़ैन को ज़्यादा अगर आप टर्बो मोड पे चलाओगे तो फ्रेंड्स थोड़ा वो नॉइज़ बढ़ सकता है, बट साइलेंटली कूलिंग आपको 31 डेसिबल्स यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि AC आपके रूम में वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स एकदम ही एफिशिएंट हो जाता है, 31 डेसिबल्स मतलब काफ़ी कम हो गया। दोस्तों फाइनली स्टार रेटिंग की बात करें तो फ्रेंड्स ये 5-स्टार रेटिंग के ऊपर बेस्ड है और इसकी आइसर रेटिंग जो है वो 4.72 की है और फ्रेंड्स लेबल में भी 2021 का स्टिकर है, तो आपको एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ 2021 का ही मॉडल है जो आपको देखने मिल जा रहा है। दोस्तों प्राइसिंग की हम बात करें तो आप जब LG की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो इस AC का प्राइस आपको 71,000 देखने मिल जाएगा, पर शायद से LG ने इसमें डिस्काउंट जो है इंक्लूड नहीं किया है। सेम अगर आप Amazon के ऊपर अगर देखते हो तो आपको यही AC 45,000-46,000 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स वहाँ पर डिस्काउंट अच्छा खासा आपको दिया गया है। और फ्रेंड्स ये सीज़न भी है कि लोग ज़्यादातर AC ले रहे हैं तो आपको कार्ड्स पे अच्छे खासे ऑफर्स और डिस्काउंट्स देखने मिल जाएंगे Amazon की वेबसाइट पर, तो आप फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक है तो आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों तो यहाँ वीडियो एंड हो जाती है, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आपको कोई और AC का कंपैरिजन करवाना है या तो कोई और फीचर्स के बारे में जानना है या तो इस AC के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन आपका है, हम आपकी सारी की सारी कमेंट्स पढ़ते हैं और उसे जल्द से जल्द रिप्लाई करने का भी ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स तक मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि वो भी एक अच्छा एसी इस गर्मियों में ले पाए, ताकि जो वर्क फ्रॉम होम का उनका एनवायरनमेंट है वो अच्छा खासा हो पाए। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है हमारे इस चैनल को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, अगले किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।